हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन आरसीआई एजुकेशन हब्स ऑनलाइन क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, कल हमारा एक टॉपिक चल रहा था, टेंस वाला टॉपिक। प्रेजेंट सिंपल टेंस हमारे चल रहे थे, प्रेजेंट सिंपल टेंस हमने पढ़ लिए, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं पढ़े। अभी हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस का केवल पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ा है। कौन सा सेंटेंस पढ़ा है? पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ा है, उसके रूल्स पढ़े हैं, उसकी पहचान पढ़ी है। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो दूसरा सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस। उस नेगेटिव सेंटेंस को अब हम दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे। नंबर दो पर लिख देता हूं मैं नेगेटिव सेंटेंस। ये अपना दूसरा सेंटेंस होता है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखना। कोई भी पॉजिटिव हो या नेगेटिव सेंटेंस, अर्थात असर्टिव सेंटेंस आ जाए, जब पॉजिटिव हो या फिर उसमें नेगेटिव सेंटेंस हो, जब हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं तो सर्वप्रथम क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, चाहे पॉजिटिव सेंटेंस हो चाहे नेगेटिव हो। नेगेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, ध्यान रखना। सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है। क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। अब प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? डू या डज। ये डू या डज हमने क्या लगा दी? हेल्पिंग वर्ब लगा दी। हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा, चाहे कोई सा भी हो, सभी में किसका यूज किया जाता है? नॉट का यूज किया जाता है। किसका यूज होता है? नॉट का। और नॉट के बाद होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज, और मेन वर्ब के बाद हमेशा आता है क्या? ऑब्जेक्ट, और अंत में फुल स्टॉप लगा दें। तो ये होता है नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। एग्जांपल, वे एक पत्र नहीं लिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक ही एग्जांपल से आपको समझना होगा पूरे नेगेटिव सेंटेंस को, ज़्यादा कुछ नहीं। इसी प्रकार का आता है नेगेटिव सेंटेंस। आपको सबसे पहले हिंदी वाक्य के अंत में देखना है पहचान क्या लिखी हुई है। ते हैं आ रहा है, पहचान में हमने पढ़ा था कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, इनमें से यदि कोई भी शब्द आता हो तो वह वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस का होता है। और रियल बात भी यही है, ये वाक्य कौन से टेंस का है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का ये वाक्य है। ते हैं आ रहे। अब इसकी जब अंग्रेजी बनाएंगे तो हमने ये देखा कि प्रेजेंट सिंपल का तो है, लेकिन उसका कौन सा सेंटेंस है? अरे भाई, नहीं शब्द आ गया। कौन सा है? नेगेटिव सेंटेंस है। ये नेगेटिव है क्योंकि पूर्ण विराम लगा हुआ अंत में, और करता है सब्जेक्ट इसके अंदर। अब हम इसके स्ट्रक्चर के ऊपर गए, हम माइंड में हमने रिपीट किया स्ट्रक्चर कि भाई सबसे पहले नेगेटिव में सब्जेक्ट आता है, और इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, लिखने का काम कौन कर रहा है? वे। वे की अंग्रेजी क्या होती है? दे। नेगेटिव है इसलिए सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज। अब हमने माइंड में याद किया कि हमने एक चीज पढ़ी थी, हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है, लेकिन दोनों का अलग अलग प्रयोग होता है। सर ने हमारे को बताया था डू का प्रयोग कहाँ होता है, डज का प्रयोग कहाँ होता है। अब डू का प्रयोग तो कहां होता है? जब कर्ता बहुवचन हो तब तो डू का होता है, और जब कर्ता एकवचन हो तब डज का। अब यहां पर वे, अरे कम है या बहुत ज्यादा है? एक ही है बहुत ज्यादा? अरे बहुत ज्यादा है सर, वे तो बहुत ज्यादा व्यक्ति है, तो बहुवचन हो गया, और बहुवचन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे? डू का प्रयोग कर देंगे, दे डू। उसके बाद नेगेटिव है, नहीं शब्द आया, इसलिए क्या लगा देंगे? नोट लगा दिया हमने। और उसके बाद मेन वर्ब, क्रिया कौन सी हो रही है? लिखने की हो रही है। लिखने की क्या होती है? राइट। दे डू नोट राइट। कौन सा कर्म, क्या लिखना है? एक पत्र, ए लेटर। ये वाक्य का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, और अंत में फुल स्टॉप लगा दिया। ये नेगेटिव बन गया। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। अब चलते हैं नंबर तीन पर, इंटरोगेटिव सेंटेंस। नंबर तीसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस।
इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हमने रूल में क्या पढ़ा था कि सर हमने तो ये पढ़ा था, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और अंत में क्वेश्चन मार्क, पूरा स्ट्रक्चर तो वही रहता है सर, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। अरे तो वही इसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। स्ट्रक्चर में क्या लिख देंगे, सबसे पहला रूल क्या पढ़ा इसमें कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे ना, प्रेजेंट सिंपल में डू या डज हेल्पिंग वर्ब होती है, और उसके बाद क्या लगा देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। अब यहां थोड़ा ध्यान देना आप, जैसे मैंने ये वाक्य लिख दिया, क्या वह रोजाना पानी भरता है, क्या वह रोजाना पानी भरता है, ये वाक्य लिख दिया। अब ये बताओ इसमें डू या डज पहले लगेगा और कुछ, या क्या क्या अंग्रेजी लिखोगे। डियर स्टूडेंट्स आपको मैं बता देता हूं, समझा देता हूं, यदि हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है, किससे शुरू होता है, क्या से शुरू होता है, तो जब उसके अंग्रेजी बनाते हैं तो हमेशा क्या से शुरू होने वाले वाक्यों की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब से शुरू करके बनाई जाती है। ये वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब, डियर स्टूडेंट्स क्या लगाएंगे, डू या डज, क्योंकि ता है आ रहा है, प्रेजेंट सिंपल का है, इसलिए डू या डज, सब्जेक्ट कर्ता कौन है, वह है, हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, डज, सब्जेक्ट ही, वर्ब भरना, भरने क्या होती है, फिल, ऑब्जेक्ट पानी, क्या भरता है वो, पानी भरता है डेली, और अंत में क्या लगा देंगे डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, डज ही फिल वाटर डेली, और अंत में क्वेश्चन मार्क। बताओ इंटरोगेटिव को दिक्कत है क्या, वह रोजाना पानी क्यों भरता है, एक ये वाक्य आ जाए, यहां तो किससे शुरू हो रहा था, क्या से शुरू हो रहा था, यहां वह रोजाना पानी क्यों शब्द यहां आ गया, यहां क्यों शब्द आया, और अंत में क्वेश्चन मार्क है। डियर स्टूडेंट ध्यान रखना, हिंदी वाक्य क्या से शुरू हो तब तो वाक्य की अंग्रेजी शुरू करेंगे हेल्पिंग वर्ब से, और यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई भी प्रश्न सूचक शब्द आ जाए तो उसकी अंग्रेजी उसी प्रश्न सूचक शब्द से शुरू करके बनाएंगे, बाकी का स्ट्रक्चर वो का वो रहेगा जो आप ऊपर पढ़ते हुए आ रहे हैं। हिंदी वाक्य के बीच में क्या आ गया, क्यों, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, वाई, वाई लगा दी हमने, उसके बाद पूरा स्ट्रक्चर सेम ये का ये रहेगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब यहां पर वह हेल्पिंग वर्ब करता है एक वचन, इसलिए क्या लगेगी, डज, वाई डज, पूरा वो ही फिल वाटर डेली, और अंत में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, वाई डज ही फिल वाटर डेली। तो ये हो गया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। दो टाइप होती हैं, एक हिंदी वाक्य, एक डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होने वाला, एक हेल्पिंग वर्ब से। डब्ल्यू एच वर्ड से कौन से होते हैं, जब हिंदी वाक्य के बीच में कोई भी प्रश्न सूचक शब्द आ जाए। हेल्पिंग वर्ब से कौन से शुरू होते हैं, जब हिंदी वाक्य किससे शुरू हो, क्या से शुरू हो, तब वो वाक्य किससे शुरू करके बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करके बनाए जाएंगे। अब इसी प्रकार से अपना चलेगा इंटरोगेटिव प्लस में नेगेटिव सेंटेंस। नंबर चार पर है इंटरोगेटिव प्लस में नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव प्लस में नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर वो ही रहेगा इंटरोगेटिव वाला, रूल में यह लिखवाया था सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, पूरा वो का वो स्ट्रक्चर रहेगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले क्या, डू या डज, उसके बाद डू या डज के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तुम अलवर
क्यों नहीं जाते हो? तुम अलवर क्यों नहीं जाते हो? हिंदी वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क आया है, ते हो, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ते हो, कोई भी शब्द आए तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का वह वाक्य होता है। तुम अलवर क्यों नहीं जाते हो? अब इसकी अंग्रेजी बनाएंगे, क्या से तो शुरू नहीं हो रहा है, लेकिन हिंदी वाक्य के बीच में क्या आ गया, प्रश्न सूचक शब्द आ गया। इसे क्वेश्चन वर्ड से हम इस हिंदी वाक्य की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी क्या होती है? वाई। उसके बाद पूरा स्ट्रक्चर ये रहेगा, कर्ता कौन है? तुम की यू, एक वचन है, बहुवचन है, बहुवचन होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, डू, वाई डू। उसके बाद सब्जेक्ट यू, नेगेटिव है क्या लगा देंगे, नोट, वर्ब जाना गो, ऑब्जेक्ट क्या है, अलवर, टू अलवर। ध्यान रखना जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो कौन से प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, टू का। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, और इस प्रकार से आपका ये प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट हो गया। अब आपका नेक्स्ट क्लास में चलेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।